चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उभरेगा। यहाँ से एक सड़क बना सीधे चाइना तक, लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं कि सेटा भारत से डर था, उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। राष्ट्र सड़क ने यहाँ पे यहाँ थल सेना वायु सेना न चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहां खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहां से दोहन करने के लिए प्लान बनाया। क्या किया जाए, तो यहां पे एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है वहीं पे, क्या है बंदरगाह, नीचे देखिए कौन बंदरगाह, ग्वादर बंदर, आप लोग हाईलाइटर लगाइए फटाफट, कौन बंदरगाह है ग्वादर बंदर, कौन बंदरगाह ग्वादर, मिला कि नहीं तुमको बकलोलिया, कराची खोज ले गया मिल गया। यो ना देखे कि दाहिने है कि बाएं, किस साइड में हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान साइड में कर रहे हैं, कौन सा जगह है ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ तुम क्या चीज बंदरगाह बनाओ, कौन बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह, और कहा यहां से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बताइए सड़क कहां तक जाती है, सीपीईसी सड़क चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए हमसे कर्जा लीजिए, इन सड़क के साइड साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी, टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया, कौन चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं कि सेटा भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए, चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका या तो मिडिल ईस्ट या तो ये यूरोप में या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार, मुंह कूच दिया जाएगा यहां से, इस जगहिया का नाम है मलक्का, क्या नाम है मलक्का, पातर गली है, ये गली में आएंगे ना थुथुरे कूच देंगे लोग। आज ससुर अपने यहाँ पे यहाँ थल सेना वायु सेना नौ सेना तीनों रहती है, जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं, क्या कहेंगे थिएटर, और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है, तो थिएटर कमांड कहाँ है अंडमान, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया, चाइना पाकिस्तान नहीं चाइना डर, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड इन द टाइम ऑफ वॉर, उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, अब क्या करें वो, तो सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं, कहा कि देखो पाकिस्तान देखो देखो तुम्हारा यहां बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000 फैक्ट्री बना देते हैं, अब इन फैक्ट्री से जो सामान बचे बनेगा तुम कैसे बेचोगे, तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो, हम एक सड़क बना देते हैं तुम यहां से सड़क में बेच देना। इस ससुरा बैल फंस गया, सीपीईसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उभरे। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखे बड़ी सब, बिहार में बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं। अच्छा ये कमोबेश हर जगह की समस्या है, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब जो पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा, चाइना के ऊपर, अब बताइए ये क्या होगा। अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले, अभी पाकिस्तान ये हो गया सड़क बना ले, चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे, बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी पैसा ले जाएगा चाइना, देख रहे हैं अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा, जैसे भारत का पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो, जब तक नेपाल कर्जा ना देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे, कितना फायदा है। चाइना को लगता था वही होशियार है, अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहां पर टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमको किससे आजादी चाहिए, पाकिस्तान से आजादी चाहिए, मारो पाकिस्तानियों को, लगे से पाकिस्तानियों को मारने, उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सब को किसी ने समझा दिया, अब आप इशारा समझिएगा कौन समझ, कौन देश समझाया होगा, गोली मारे सरकारी लोग का, हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो चाइन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है, चाइना 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना
वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया कि मेन पीछे कौन है, चाइना। तो तुम दोनों को देखो, किसको, चाइना को भी पाकिस्तान। टीपीपी वाला का ये चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागा लगी सूतल पते नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे। चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉयज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए, भाग गए चाइना वाले। कहां पे, चाइना में। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया, रद्द हो गया, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लग पाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उसका सीपीईसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है तालिबान क्या करे, बलूचिस्तान को निपटा।